أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students how are you all I am your English teacher yesterday we will discussed about the sentence and its three types and I also explained with by my own self and I also give a link about it today I will discuss about this topic again in detail क्योंकि आज हमने सॉल्व करनी है पेज नंबर 7 के लिए मैंने आपको टास्क देना है टेस्ट योरसेल्फ्स के लिए टेस्ट योरसेल्फ का मैंने आपको टास्क प्रोवाइड करना है कि आपने ये करना है टास्क और ये टास्क कैसे करना है कि ऑब्जर्व ई सेंटेंसेस एंड राइट द नेम ऑफ इट्स फुल टाइप इन द ब्लैंक बेसिकली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा सेंटेंस है और किस तरह से क्या नेचर है उसकी आपने इसमें बेसिकली वही एक्सप्लेन करना है आपको मैंने बताया था कि सेंटेंसेस की थ्री टाइप्स होती हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सो अब हमें नेचर का कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस कौन सा है और किस तरह से है तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन को आज रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस सबसे पहले हम पार्ट ए जो हमारा गिवन है वो हम उसको रीड करेंगे दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत अच्छी है आई गॉट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली द शीप आर ग्रासिंग ऑन द हिल साइड इन दी सेंटेंसेज ईच ऑफ दी सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट बेसिकली आप देख कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट गिवन है द थ्री सब्जेक्ट्स आर दिस स्टोरी आई एंड द शीप पहले तीन तरह के सब्जेक्ट की बना और रिलेट वो एक ही पर्सन को कर रहे हैं दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में आई को मैं और मैं कौन है शीप मतलब भेड़ फिर उसके बाद है कि सेकंड पार्ट जो है बी का ईच सेंटेंसेस हैज़ ओनली वन प्रेडिकेट और सबका एक ही प्रेडिकेट है मतलब सब प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हैं और सब ही अपना अपना काम बता रहे हैं और सभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में वर्किंग कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में वर्किंग कैसे कर रहे हैं इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली एंड आर ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड मैंने आपको बताया था कि जो काम कर रहा होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है सब्जेक्ट और बाकी जितना भी पार्ट होता है प्रेडिकेट प्रेडिकेट के अंदर हमारा टेंस आ जाता है टाइम आ जाता है वर्ब आ जाता है और रिमेनिंग चीज़ें आ जाती हैं ठीक है ये चीज़ है फिर उसके बाद नाउ ऑब्जर्व दीज सेंटेंसेस इट वॉज अ संडे एंड वी बोटिंग अब ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में आपको समझ आ गया कि उन्होंने बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट एक ही होगा और हमारा जो है सब्जेक्ट एक होगा और हमारी जो वर्किंग है ना प्रेडिकेट की वो भी एक ही टेंस में होगी तो वो हमारा क्या है सिंपल सेंटेंस है सर सेंटेंसेज आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेज नो ऑब्जर्व द दी सेंटेंसेज इट वॉज संडे एंड वी वेंट बोटिंग द सन रोज एंड इट वॉज ब्राइट एवरीवेयर द क्लाउड अपीयर्ड द क्लाउड्स अपीयर्ड बट इट डिज नॉट इट डिड नॉट रेन कहता है कि इतवार का दिन था एंड और वी वेंट बोटिंग और हम क्या कश्ती चला रहे थे द रन रोज द सन रोज एंड इट वॉज ब्राइट एवरीवेयर सूरज निकला और चारों तरफ उसकी रोशनी फैल गई फिर उसके बाद द बोट क्लाउड अपीयर्ड यकदम बादल आए बट लेकिन इट डिड नॉट रेन लेकिन बारिश नहीं हुई बेसिकली ये दो दो सेंटेंसेज हैं उनको हमने डिफरेंट वर्ड्स के साथ ज्वाइन किया गया है जैसे कि एंड एंड बट एंड फिर एंड ये थ्री वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे दो जुमलों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अब अगले पेज नंबर 6 पर आप आ जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है जो आपके लिए आसानी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए बोथ द पार्ट ऑफ ई सेंटेंसेज आर इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेज मतलब अगर हम बोथ पार्ट्स को देखें तो दोनों इंडिपेंडेंट है मतलब अगर हम अकेले के लिए भी वर्किंग लेना चाहें तो हम अपना स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं और अगर हम उनको शॉर्ट टाइमिंग के लिए अगर ज्वाइन भी करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं मतलब वो इंडिपेंडेंटली भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं और डिपेंडेंटली भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं ठीक है तो जब इस तरह के हमारे जो वर्किंग होगी ना जो डिपेंड भी कर रही हो और इंडिपेंडेंट भी वर्किंग कर रही हो तो वो हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में हमारा एक फार्मूला होता है फैन बॉयस का वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं अब फैन बॉयस का फार्मूला मैं आई हैव इन माय ऑन नोटबुक वो मैं आपको प्रोवाइड कर भी सकती हूँ एक मिनट कंजक्शंस का ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करें ना फैन बॉयज है
अगर आप इसको करें तो एफ फॉर ए एंड नॉर बट और येट एंड एस सो। तो बेसिकली ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ करते हैं ना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं फैन बॉयज का, ठीक है। तो ये इसी रूल को हमने फॉलोअप रखना है। और इसकी बुक के आगे मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने फैन बॉयज का फार्मूला यूटिलाइज करते हैं। ये हो गए हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंटेंसेस को, ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स है हमारे। ही वॉज इन बेड बिकॉज ही हैड फीवर। वो बेड पर है क्योंकि उसको बुखार है। पहले वो अपना रीज़न बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, फिर उसके बाद किस वजह से कर रहा है, फिर उस वो बता रहे हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट हाउ कि कैसे आई शुड प्लीज हर, कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे क्यों बुखार है। यू आर फ्री टू से डैट यू लाइक। ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज हैज़ टू पार्ट्स। अब इसके भी दो दो पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें हम फैन बॉयज वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे। हम इसमें पहले अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें बता रहे हैं कि हमने क्या किस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज हाउ वट। बेसिकली इसमें हम अपना क्वेश्चनिंग करते हैं। फाइव डब्ल्यूज हम जब यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में। फाइव डब्ल्यूज से मुराद वट, वाई, वैन, वेयर एंड whom भी आ जाता है और how भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो फाइव डब्ल्यूज होते हैं ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में हम वो यूटिलाइज करते होते हैं, ठीक है। आगे उनकी एक्सप्लेनेशन है। बोथ पैटर्न्स, बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज आर जॉइंड बाय कंजक्शन, द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वन पार्ट टू अदर टू इट्स कंप्लीट सेंटेंसेज। उसमें हम अगर कंजक्शंस यूज कर रहे थे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, तो वो इंडिपेंडेंटली सेंटेंसेस कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट, एक सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। सो इसलिए हम फाइव डब्ल्यूज वाली कंजक्शंस यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज करेंगे। उसका भी मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक चीज़ है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं कुछ, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं कि मतलब वो लास्ट में मज़ूम होती है, कि हमने इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ करते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो तरह के क्लॉजेज हो, दो तरह के स्टेटमेंट्स हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पहले हम राइट करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट हम करते हैं, ठीक है। कि हम जो काम कर रहे हैं पहले वो राइट करें और किसकी वजह से कर रहे हैं वो हम बाद में राइट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेजर थ्री टाइप्स हैं, मैंने अगेन आपको ओवरव्यू विद द डिटेलिंग में अब बता दिया आपको ज़्यादा अच्छे से। तो ये है। अच्छा, अब आपने ये टेस्ट योर सेल्फ, ये आपका आज का होमवर्क है। आज डेट है आपकी 8 अप्रैल 4:20, ये आपकी डेट है। इसमें आपने बताना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस और आपने किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। और गिव बिलो आर अ फ्यू कंपाउंड सॉर्ट आउट। इसमें आप कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, सॉर्ट आउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज्ड इन ईच सेंटेंस एंड राइट इन द। आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो फैन बॉयज का मैंने आपको फार्मूला बताया वो यूटिलाइज करते हुए आपने चेंज कर दी है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है ना, गिव ब्लो आर सम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सॉर्ट आउट द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी आपको आइडिया, सॉर्ट आउट द सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड इन सेंटेंसेस एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। और आपने राइट किस में करनी है, ब्लैंक्स में राइट करनी है, ठीक है। तो यही जहाँ पर आपको, यहाँ तक आपने टास्क अपना करना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपका ये जो बुक का काम चेक करने वाला वो इंशाल्लाह मैं चेक कर दूँगी आपका, और आपने यहाँ तक टास्क करना है। और होप्स हो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अपना ये जो आपका मैंने आप असेसमेंट आपको दी है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो इंशाल्लाह फिर जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी स्टार्ट, फिर मैं आपका चेक करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।